जो यहाँ पर आए उन सब के समझो सम्मान हो। एक किसी विशेष सुनने वाले की एक विशेष इच्छा है, कर्ज वो हुई थी ये कौन सी, उल्टा उतार आई बीच बाजार आई लेके बाहर आई वाली। आ फिर सूर्य विशाल यहाँ
थे सचेत की तरफ से, श्रीमान जी कह रहे थे कि कविता करना आसान है और कर भी देते हैं, बड़ा व्यापारी भी बन सकता है, बड़ा उद्योगपति भी बन सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है, देश का राजा भी बन सकता है, परंतु कवि होना आसान नहीं। और कवि में भी तत्काल कवि होना, क्यों तत्काल कवि वही होते हैं जो पूर्व जन्म में मोतियों का दान करते हैं। क्यों काफिर, काफिर जो होती है मोती की श्रेणी में आती है। अरे कविता का जहां भी और
की बातों की सफाइयों की और रेडियो स्टेशन में जहाँ गाय की किराइयों की और गाय की गाड़ी वहाँ क्षेत्र में पढ़ाइयों की और केशव राम शर्मा जी की करोड़ी सच्चाइयों की ये पास करे या भैद करे पर वो एक एक पढ़ाइयों की Thank you.
क्या ध्यानों में और हमने देखा कई बार युवा लड़ते मैदानों में। इसी तरह पंडित जी की बात है उत्तम सभी स्थानों में, और यही श्रद्धा यही भावना बनी रहे मेहमानों में। और देखा है इंसानियत सदा रहती है इंसानों में, और केवल घमंड प्रचंड रहस्य दौलत के दीवानों में। और ऐसा अमीरी नाजागीरी भगने महल मकानों में। यदि जीवन को जीवन समझ है तो दे गुजार वीरानों में। वीरानों में ही जन्म तेरा आ जाएगा पहचानों में। और नंदलाल जी भी कर गए इशारा इसी तरह के तरानों में। Thank you.